केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने सहकारी बैंक के अध्यक्ष विवेक सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता व नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं मौके पर मौजूद नजर आई। आपको बता चले कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी परशुदेपुर पहुंची, जहां उन्होंने सहकारिता सम्मेलन में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने 100 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गरीब मजदूर और नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रही है। और आज जब मुझे बुलाया ताकि मैं सहकारिता परिवार का गौरव देख सकूं, तो अक्सर ये माना जाता है कि बहन को कुछ दिया जाता है, बहन से कुछ लिया नहीं जाता। लेकिन विवेक, तुमने पूरे सहकारिता परिवार को 20 प्रोजेक्ट दिए, एक बहन के लिए यही सबसे बड़ा प्रसाद है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि। और जहां तक कि अब मेरे लिए तो जीवन भर ये विधायक जी नहीं, दल बहादुर कोरी के पुत्र हैं। विधायकी का हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि दल बहादुर कोरी ने हमको सिखलाया था कि दीदी, सलोन की जनता को एक बार जबान दे दी हो तो फिर उससे मुकरना नहीं है, वरना मैं ऊपर भी रहूं तो नीचे फिर प्रकट हो जाऊंगा, ताकि तुम अपने जवान पर पक्की रहो। इसलिए आज